Hello friends, welcome back. In our last video, Human Geography, Nature and Scope Part 1, we have discussed about environmental determinism and possibilism. And today we will learn about, in Human Geography, Nature and Scope Part 2, Neo-Determinism. अगर आपने Part 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को completely देख सकते हैं. Part 1 में हमने बात की थी environmental determinism. एंड पॉसिबलिज्म कि टू कंडीशंस निकल के आए थे हमारे पास, टू कॉन्सेप्ट निकल के आए थे जिनमें से थे इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म. इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म का जो कंसेप्ट दिया वो किसने दिया था? एलिस वर्थ हंटिंगटन. और पॉसिबलिज्म के जो कंसेप्ट दिया वो थे विदाल डी लब्लाच. ठीक है, ये कंसेप्ट देने वाले थे, यानी कि जो थ्योरी दी गई थी इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म एलिसवर्थ हंटिंगटन और पॉसिबलिज्म विदाल डी लब्लाच ने. अब इसमें हमने क्या सीखा था इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म में कि टू जो हमारी स्टेट्स थी वो क्या निकल के आई थी, टू कंसेप्ट निकले थे इसमें. इसमें क्या था इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म में कि स्टेट ऑफ नेसेसिटी में बताया गया था कि ऑल वर्क्स नेचर पर ही डिपेंडेंट है. हम कोई भी वर्क फ्री होके नहीं कर सकते, नेचर की बाउंडेशन में रह के ही हम वो वर्क कर सकते हैं. ये बताया था कि स्टेट ऑफ नेसेसिटी में. पॉसिबलिज्म में क्या था कि स्टेट ऑफ फ्रीडम कि कोई भी वर्क करने के लिए ह्यूमन बीइंग क्या है, फ्री है, फ्रीडम फील करता है वो, कोई भी टेक्निकल डेवलपमेंट कर सकता है. इसमें क्या थी कि कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है वो एक नेचर की बाउंडेशन में रहकर वर्क कर सकता है, उससे बाहर जाकर वर्क नहीं कर सकता. और यहाँ पे वो बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग हम फ्री हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं, नेचर का इतना कोई इफेक्ट हम पे नहीं होता है. तो इस तरह के दो हमारे जो कॉन्सेप्ट निकले थे पॉसिबलिज्म एंड इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म. इनको और अच्छे से समझने के लिए हम टू एग्जांपल्स देख लेते हैं. फर्स्ट अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें हम ले सकते हैं सेंट्रल अफ्रीका कि सेंट्रल अफ्रीका में जब भी कंडीशन हैं, जो इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेटिकली जो कंडीशंस हैं, वो कैसे है ह्यूमन बीइंग के अपोजिट है कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम हैं. इसीलिए वहाँ पे बताया गया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन बीइंग का जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो लो लेवल पे हो रहा है. तो कंडीशन क्या निकली कि सभी क्या है इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट वहाँ का अच्छा नहीं है तो ह्यूमन बीइंग भी अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा. इसके अपोजिट अगर हम इसमें बात करते तो जो हमारे पॉसिबलिज्म में अगर हम बात करते तो जापान कंट्री का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें. अब जापान में क्या देखते हैं हम कि जो देखते हैं कि जो नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं वो एक लो जो हाई लेवल पे होते हैं. वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, जो अर्थक्वेक्स होते हैं, सुनामीज होती हैं, तो वो यहाँ पे क्या है इस कंट्री में सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट पॉइंट पे है ये. लेकिन फिर भी अगर हम बात करते टेक्निकल डेवलपमेंट की, कल्चरल डेवलपमेंट की, तो वो भी क्या है यहाँ पे हाई लेवल का ही है. तो इसमें क्या समझाया गया है, हम इससे क्या समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर से ऊपर है. नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं या नेचुरल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ह्यूमन बीइंग को नहीं रोक सकते. वो अपना जो भी कल्चरल डेवलपमेंट करना है, टेक्निकल डेवलपमेंट करना है, वो नेचर से ऊपर जाकर भी कर सकता है. तो लास्टली हम क्या समझते हैं कि टू कंडीशंस थी हमारे पास कि जो थ्योरीज निकल के आई पॉसिबलिज्म की, टोटली ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे हाईएस्ट माना गया कि ह्यूमन बीइंग से ऊपर कुछ भी नहीं है, मानव सब कुछ कर सकता है, फ्री है वो. और इस कंडीशन में हमने देखा कि ऑल वर्क्स नेचर पर डिपेंडेंट रह के कर सकते, एक बाउंडेशन है. अगर हम नेचर के लॉ को अगर मानते हैं तो ही हम सर्वाइव कर पाते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो डिजास्टर्स या कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे ह्यूमन बीइंग्स के लिए. अब कंडीशन ये थी कि हम इन दोनों में कोई भी कम्प्लीटली, हम टोटली एब्सोल्युटली ना तो हम इसको मान सकते हैं ना हम इसको मान सकते हैं कि ना तो हम फ्री रह के वर्क कर सकते हैं कि ऑल वर्क्स फ्री हो गए भाई, कोई भी वर्क नहीं कर सकते ऐसे, और ना ही हम नेचर पर डिपेंडेंट रह के कि हम ऑल वर्क्स नेचर की बाउंडेशन में रह के करें, कोई भी टेक्निकल डेवलपमेंट ना करें. तो अब इनके बीच के, दोनों के बीच से निकला
कि मिडवे थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, एक स्कॉलर हुए, उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने एक बुक पब्लिश की अपनी जिसका नाम था ऑस्ट्रेलिया इन 1920s में। ठीक है, इस बुक में उन्होंने क्या बताया कि हम ना तो पॉसिबिलिज्म को ही मानेंगे और ना ही हम इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म को। एक मिडवे थ्योरी दी, बीच का रास्ता निकाल दिया कि हम इस कंडीशन को भी माने और इसको भी। उसको क्या नाम दिया उन्होंने? नियो डिटरमिनिज्म। नियो डिटरमिनिज्म जिसको हम क्या मान सकते हैं? प्रेजेंट डे डिटरमिनिज्म, कि जो आज के टाइम में चल रही, जो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको हम प्रेजेंट डे डिटरमिनिज्म, और एक और नाम से हम इसको समझ सकते हैं क्या है वो? स्टॉप एंड गो थ्योरी। समझ में आया? कंडीशन क्या है यहाँ पे कि इन्होंने मिडवे थ्योरी क्यों कहा इसको? कि दोनों के बीच का रास्ता निकाल दिया कि हम ना तो बिल्कुल ही ह्यूमन बीइंग फ्री है और ना ही वो नेचर पर ही डिपेंडेंट है। दोनों के बीच का रास्ता निकाला ग्रिफिथ टेलर ने, उसको हमने क्या नाम दिया? नियो डिटरमिनिज्म। अब इसको प्रेजेंट डे डिटरमिनिज्म क्यों कहते? प्रेजेंट डे डिटरमिनिज्म इसलिए कहते क्योंकि हमने कंडीशन पार्ट जो वन था हमारा उसमें हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि ये अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे जो वो क्या कर रहे थे कि नेचर पर ही डिपेंडेंट थे, ऑल वर्क्स नेचर के फाउंडेशन पे रह के कर रहे थे, और उसके जो उसके बाद का जो टाइम पीरियड आया उसमें वो पॉसिबिलिज्म कि हम फ्री हैं, टेक्निकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है उनका। तो उन्होंने क्या बताया कि हम दोनों कंडीशंस के बीच का रास्ता भी निकाल सकते हैं। प्रेजेंट डे क्योंकि जो आज का जो टाइम है उसमें क्या चल रहा है हमारा कि हम टोटली हम नेचर पर भी डिपेंडेंट नहीं है और टोटली हम फ्री भी फील नहीं कर रहे हैं कि हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। इसके लिए कुछ उन्होंने और भी समझाने के लिए बताया गया, उसको हम आगे देखते हैं। नियो डिटरमिनिज्म, मिडवे थ्योरी, इनको समझाने के लिए उन्होंने बताया ट्रैफिक लाइट के रूल्स। जो एग्जांपल्स दिया वो किसका दिया? ट्रैफिक लाइट्स का। ट्रैफिक लाइट्स की जब भी हम सिग्नल देखते हैं कोई भी रोड क्रॉसिंग के ऊपर तो वहां पे हमें जो ट्रैफिक लाइट्स मिलती है उनके रूल रेगुलेशंस भी होते हैं। तो ट्रैफिक लाइट में इन्होंने बताया सबसे पहले रेड, रेड कलर की जो लाइट होती है उसका मीनिंग होता है स्टॉप, रुक जाओ। एम्बर और येल्लो, एम्बर लाइट का मीनिंग होता है गेट सेट एंड रेडी, कि एक गैप को मेंटेन कर रहा है। किसके गैप को? कि जो रेड और ग्रीन के जो गैप दिखाता है कि हम उसमें बिल्कुल हम उस कंडीशन में आते हैं कि ना तो हम रुक रहे हैं और चलने के लिए भी तैयार रहे हैं, तो वो हमारी एम्बर लाइट शो करती है। थर्ड इसमें हमारा आता है ग्रीन, ग्रीन लाइट का मीनिंग होता है गो। अब हम जो पॉइंट है वहां पे ये समझने का क्या है यहाँ पे कि उन्होंने ट्रैफिक लाइट्स के ही रूल क्यों दिए, क्योंकि जो एग्जांपल दिया उन्होंने वो ट्रैफिक लाइट्स का ही क्यों दिया। अब ट्रैफिक लाइट्स में हम देखते हैं कि रेड का मीनिंग होता है स्टॉप, एम्बर का मीनिंग क्या बताया हमने कि गेट सेट और रेडी के हम चलने के लिए तैयार रहते हैं, और ग्रीन में मतलब चल देते हैं, गो जाते हैं। कि अगर हम किसी भी कंडीशन में देखते हैं, किसी भी रोड क्रॉसिंग पे अगर हम देखते हैं ट्रैफिक रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगी? एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। वही सेम कंडीशन इन्होंने क्या बताई कि अगर हमें नेचर को भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं करना और अपना भी जो कल्चरल डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन बींग्स को अपना डेवलपमेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें भी कुछ नेचर के जो रूल हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि रेड का मीनिंग बताया कि स्टॉप, कि जब भी हम कोई भी जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई भी कंडीशन हो रही है या जो नेचुरल डिजास्टर्स के लिए कॉजेज बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं उनका, तो हम उस टाइम पे क्या करें कि जो भी हम टेक्निकल डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको हम स्टॉप कर दें, रोक दें। ठीक है, कि उसको हम कुछ टाइम के लिए स्टॉप करें। फिर उन्होंने क्या बताया कि जब हम उसको रोक देते हैं फिर कंडीशंस क्या हैं कि रेडी रहें, कि जब हम एक वेट करते हैं, वेट किस लिए कर रहे हैं कि जो हमने कंडीशंस वहाँ पे जो रेड लाइट के टाइम पे जो हमने रोकी हैं, कि जो डिजास्टर्स के टाइम पे जो हम हार्मफुल इफेक्ट के डर से जो हमने वर्क अपना रोक दिया है उसको क्या करें, हम उसको रेडी रहें कि हम नेचर के जो इफेक्ट्स होते हैं उनके वेट करें। कैसे वेट करेंगे कि हम देखेंगे कि जब नेचर बिल्कुल
मतलब अपने आप को रिकवर कर लेगा, तो फिर उसके बाद हम जो अपना टेक्निकल डेवलपमेंट है या जो वर्क है रिसर्च के जो वर्क है उनको हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने स्टॉप एंड गो थ्योरी भी नाम दिया इसको, और हमें जो ट्रैफिक लाइट्स के रूल से इसको समझाया। एंड लास्टली सिंपल लैंग्वेज में हम क्या समझ सकते हैं कि जो नियो डिटरमिनिज्म जो थ्योरी दी गई थी उसमें क्या था कि कंडीशंस ये थी कि ना तो हम बिल्कुल ही बिल्कुल पॉसिबिलिज्म पर डिपेंड करें और ना ही हम इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म के, तो दोनों के जो बीच का जो रास्ता निकाला, मिड वे जो निकाला गया, उसको नाम दिया गया नियो डिटरमिनिज्म। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री, कि हम उसको बताते एक लॉन्ग टाइम पीरियड बता रहे हैं उसके, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी का मीनिंग क्या बताया था, कि फिजिकल जो फीचर्स हैं या फिजिकल इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शन बिटवीन मैंस एंड फिजिकल इन्वायरमेंट एंड फिजिकल फीचर्स इज ह्यूमन ज्योग्राफी, कि जो उसमें हम स्टडी क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग का, जो उसके फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उसके साथ इंट्रैक्शन क्या है। और ये कब स्टार्ट हो जाता है, मैन के बर्थ के साथ ही उसका जो फिजिकल फीचर्स के साथ इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, और उसी के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो एक मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड से चल रही है। जब भी हम हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, अलग अलग स्टेजेस से निकल के कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी आज प्रेजेंट डे तक जो टाइम पीरियड लिया है उसने प्रेजेंट डे में आने तक का, वो उसके स्टेजेस क्या क्या रहे हैं, उसके लिए हम बता सकते हैं कि जो मेनली जो स्टार्ट हुआ वो था 15th सेंचुरी, लेट 15th सेंचुरी। क्यों? क्योंकि 15th सेंचुरी को बताया गया था हमने किसकी डिस्कवर एज। इसमें क्या था, न्यू एरियाज को डिस्कवर किया गया, ठीक है, कि यहाँ से स्टार्ट हो गए थे न्यू एरियाज, कॉलोनाइजेशन हो गया कि अलग अलग कॉलोनी बनने लगी, और जो कॉलोनाइजेशन हुआ वो कब हुआ था, लेट 15th सेंचुरी, इससे पहले का, बिफोर डिस्कवर एज। कि उससे पहले क्या था कि जो अदर सोसाइटीज थी उनके बीच का जो इंट्रैक्शन था वो लो लेवल का था, क्योंकि कॉलोनाइजेशन नहीं हो रहा था, वो इंट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो पीपल्स जहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स जहाँ पे थे वो वहाँ की कंडीशंस को समझते थे, उनको नहीं पता था कि ऑल वर्ल्ड में कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो डाइवर्सिटीज थी उनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी। बट जब 15th सेंचुरी के बाद में जो डिस्कवर एज हुई उसमें क्या हुआ कि कॉलोनाइजेशन हो गया, उसमें था कि अलग अलग एरियाज में जैसे अफ्रीका और एशिया के कॉन्टिनेंट में जो यूरोपियंस जो थी जैसे ब्रिटिशर्स डच पुर्तगीज वो क्या कर रहे थे कि कॉलोनीज बना रहे थे, वो डिस्कवर कर रहे थे न्यू एरियाज को। तो उसके बाद में उनका जो स्टार्ट हुआ क्या, जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का जो हिस्ट्री होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हम टू कंडीशंस देखते हैं कि जो स्टार्टिंग थी वो कहाँ से थी, कॉलोनियल पीरियड से प्रेजेंट डे टाइम तक या प्रेजेंट टाइम तक की। कि यहाँ पे हम देखते हैं ये स्टेजेस थी कॉलोनियल पीरियड से प्रेजेंट डे या प्रेजेंट टाइम तक की जो स्टेजेस हैं वो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आती हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं कि ब्रॉड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कि स्टेजेस क्या क्या थी ह्यूमन ज्योग्राफी की, ब्रॉड स्टेजेस की जब भी हम बात करते हैं तो फर्स्टली हमारा इसमें आता है अर्ली कॉलोनियल पीरियड। इस टाइम पे क्या था, अर्ली कॉलोनियल पीरियड की जैसे हमने बताया कि कॉलोनाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्टिंग में क्या था, जो अप्रोचेस थी वो टू अप्रोचेस थी, क्या, डिस्कवर एंड डिस्क्रिप्शन। डिस्कवर कि न्यू एरियाज को डिस्कवर किया जा रहा था अलग अलग जगह पे जाके, वहाँ पे जो कॉलोनाइजेशन हो रहा था, और डिस्क्रिप्शन कि उनके बारे में विवरण निकाले जा रहे थे, कि उनके बारे में स्टडी करके हम उसको
इकट्ठा कर रहे थे। नेक्स्ट इसमें बताते हैं कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड में ये टू फीचर्स हो रहे थे कि जिनको हम बता सकते हैं कि जो अगर अप्रोच की गई तो वो टू अप्रोचेस थे, डिस्कवर एंड डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इसमें आता है कि फीचर्स क्या था, कि रीजन क्या था कि वो इस टाइम पीरियड में जो अर्ली कॉलोनियल पीरियड था कि उसमें ये डिस्कवर और डिस्क्रिप्शन क्यों कर रहे थे। तो उसका रीजन, टू रीजंस आते हैं उसमें। फर्स्ट उसमें क्या था, इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट। कि अब इसमें हम क्या देखते हैं, इंपीरियल यानी कि जो साम्राज्यवादी कौन कर रहे थे कॉलोनाइजेशन, जो यूरोपियंस थे, कहां पे कर रहे थे, टू कॉन्टिनेंट्स में, एशिया एंड अफ्रीका में। तो उनका जो मेन मोटो था करने का वो इंपीरियल, कि अपने जो भी वो कर रहे थे कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रेड इंटरेस्ट। ट्रेड इंटरेस्ट की इनकी व्यापारिक जो इंटरेस्ट था, कि रुचि थी उनकी कि हम अलग अलग जगह पे जाएं, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखें, वहाँ के नेचुरल जो रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है उनके बारे में सीखें, और फिर हम उनकी स्टडी करके और अलग से एक जो स्टडी करके एक अलग पॉइंट जो प्रिपेयर करें। तो इस टाइम पे अगर हम इसको समझने के लिए क्या समझ सकते हैं कि टोटली ऑल वर्ल्ड में डिस्कवरी की जा रही थी। इनका क्या मानना था कि हम ऑल वर्ल्ड में जाके डिस्कवर करें न्यू एरियाज को, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखें और उनके बारे में स्टडी करके उनके जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्क्रिप्शन करें, उनके विवरण निकालें। ऑल वर्ल्ड में कर रहे थे, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि क्या ऐसा संभव था, नहीं हो सकता कि इतनी ब्रॉड जो डाइवर्सिटीज हैं ऑल ग्लोब की, कि हम उसको एक साथ स्टडी करके उनके जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो नहीं निकाल सकते। तो सेकंड पॉइंट हमारा इसमें यही आता है, उसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारा कब आया, लेटर कॉलोनियल पीरियड। लेटर कॉलोनियल पीरियड में क्या किया गया कि वही है कि जो एम्फेसाइज किया गया या अप्रोचेस थी वो क्या थी, रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस यानी कि अब हमने क्या समझा कि हम ऑल ग्लोब की या पूरे जो वर्ल्ड है हमारा उसका हम एक साथ स्टडी करके उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसका विवरण नहीं निकाल सकते, उसके हम स्टडी नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि उनको अलग अलग रीजंस में डिवाइड कर दिया, कि जो भी टोटल था हमने उसके अलग अलग रीजंस में डिवाइड करे, अब हम पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअली एक एक रीजन को स्टडी करें और फिर उसके बाद उनके विवरण को तैयार करें। तो इस टाइप में रीजनल एनालिसिस किया गया। जो मेन जो फीचर्स निकल के आए इसमें रीजनल एनालिसिस और जो हमारे लेटर कॉलोनियल पीरियड में, वो क्या था यहाँ पे, कि जो भी रीजंस हैं कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रीजंस अंडरटेकन या अंडरस्टैंड, कि हम जो ऑल एस्पेक्ट्स एक पर्टिकुलर रीजंस के जो भी एस्पेक्ट्स हैं हम उनको स्टडी करें और उनके डिस्क्रिप्शंस निकालें। ये किस में और हमारा लेटर कॉलोनियल पीरियड में। तो हमने यहाँ पे टू कंडीशंस देखी, अर्ली कॉलोनियल पीरियड में क्या हो रहा था, डिस्कवर एंड डिस्क्रिप्शंस जो उन्होंने और जो फीचर्स निकल के आए वो क्या था, कि रीजन क्या था, इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट्स के कारण वो ये सब कुछ कर रहे थे। इसमें क्या था जो मेन मोटो था उनका, कि हम ऑल वर्ल्ड को स्टडी कर सकते हैं और उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शंस निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या था कि जो सेकंड टाइम आया कि लेटर कॉलोनियल पीरियड में जो हुए, उन्होंने क्या देखा कि हम एक साथ इतनी बड़ी स्टडी, इतनी जो ब्रॉड डाइवर्सिटीज हैं उनको हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, उनको अलग अलग पर्टिकुलर रीजंस में डिवाइड करें और उन रीजंस से हम जो भी कंक्लूजन निकलता है उनको हम इकट्ठा करके एक साथ हम उसको स्टडी कर सकते हैं। इसी में जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आया, द थर्ड पॉइंट इज पीरियड वाइज अगर हम बात करें तो पीरियड कौन सा था, 1930s का। इसमें जो अप्रोचेस निकली वो क्या थी, एरियल डिफ्रेंसिएशन हमने इस टाइम पीरियड पे क्या देख रहे हैं, कि हमने जो फर्स्टली पढ़ा अर्ली कॉलोनियल पीरियड में क्या कर रहे थे वे, कि ऑल वर्ल्ड को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं, उसके स्टडी करके उसके पॉइंट आउट निकाल सकते हैं। सेकंड के बताया कि जो
लेटर कॉलोनियल पीरियड में एक रीजनल एनालिसिस किया गया कि हम इस ऑल डाइवर्सिटीज को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग रीजन्स को हम पर्टिकुलरली स्टडी करके उन सबको इकट्ठा करके एक कम्प्लीटली हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। बट थर्ड पॉइंट में जो 1930s में एरियल डिफ्रेंशिएशन में क्या था कि फोकस वॉज ऑन द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन्स, कि पर्टिकुलर जो रीजन्स हैं उनमें हमें क्या देखना है, यूनिकनेस को, कि एक रीजन दूसरे रीजन से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, कि कंडीशन क्या थी यहाँ पे, कि हमें ये देखना है अगर इस रीजन की हम स्टडी कर रहे हैं और इन दो रीजन्स की, तो ये रीजन इस रीजन से डिफरेंट है तो उसका कारण क्या है। तो वो यूनिकनेस देख रहे थे हम किसमें, 1930s के एरियल डिफरेंशिएशन में। ओके फ्रेंड, ब्रॉड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने 3 पॉइंट्स की बात कर ली, अर्ली कॉलोनियल पीरियड, लेटर कॉलोनियल पीरियड एंड पीरियड ऑफ 1930s। इसके बाद हमारे रहते हैं 1950s टू 60 एंड 1970s एंड 1990s और मॉडर्न टाइम पीरियड। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट आउट करेंगे और उसको समझेंगे। ओके, थैंक यू।